चलो भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। आज की वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत खास होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि आप अनअकैडमी ऐप के बारे में नहीं जानते हो, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है जिसमें आप हमारी रेलवे कैटेगरीज में आके आप किसी भी, मतलब कहते हो ना, किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम, मतलब क्या तैयारी कर सकते हो। जैसे कि UPSI आने वाला है, ठीक है, UPSI आने वाला, इन सब के लिए बेहद ही, मतलब कहते हो ना, बहुत ही शानदार बैचेस और क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। आप देख सकते हो ये रही स्पेशल की टाइमिंग हो रही है, प्लस की टाइमिंग। आप सबसे यहाँ पर एंटर करने के लिए क्या मांगता है, आपको कोड मांगता है, एंटर कोड। तो आपको स्टूडेंट 10 को यूज़ करना है, ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट 10 कोड यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपको कोई पेमेंट वेमेंट कुछ नहीं देना पड़ता यहाँ पर, ठीक है, अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हो, ठीक है। तो आप आगे मेरे को फॉलो कर लेना, ठीक है, फॉलो कर लेना, फॉलो करने के बाद मैसेज कर देना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो आप देख सकते हो सभी एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर वीकली प्रश्नोत्तरी होती है, PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी होती है। अगर मैं बात करूँ आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हो, तो स्टूडेंट 10 कोड यूज़ करना है आपको। अगर जो आप देख रहे हो यहाँ पर 4500 का, ये पहले का रेट है, अब कितना हो गया 2400 के आसपास पड़ चुका है, ठीक है, 3000 का है, 20% के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर। ये रहे आपके ऑफर रखे। तो भैया आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग करने वाले हैं स्टेट, मतलब समझते हो, स्टेट स्टेट की जो GK है ना, स्टैटिक। सोचा छोटी सी वीडियो में आपको स्टैटिक पूरा मिल जाए, तो वो करने वाले। तो ये आप मैप के थ्रू देख सकते हो, मैं नाम नहीं बता रहा, आप गैस करो तो कौन सा स्टेट है। तो भैया ये देख लो, बिल्कुल पाकिस्तान से छटा हुआ है, तो ये कौन सा है, तो यार ना ये पाकिस्तान नहीं है, ये है पंजाब, ठीक है। ये कौन सा आपका पंजाब स्टेट है, ठीक है। सबसे पहले यार ना इसकी कैपिटल कहाँ पड़ती है, तो यार चंडीगढ़ में, ठीक है। इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, लुधियाना है। इसकी जनसंख्या कौन सी कितनी है, तो यार ना इतनी जनसंख्या आपकी दे रखी है। सबसे बड़ी बात करें यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी कितनी, 551, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की बात की जाए 50,362 किलोमीटर स्क्वायर है। जिले यहाँ पर कितने पड़ते हैं, तो यार ना 22 जिले पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यार ना लुधियाना है, ठीक है। इसका गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966 में हुआ। इसके यहाँ पर राज्यपाल कौन है, विजेंद्र पाल सिंह जी हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, अमरेंद्र कुमार सिंह, जो ये कहाँ से, कांग्रेस से हैं। अगर मैं बात करूँ विधानसभा की सीट कितनी, 117, राज्यसभा की सीट कितनी है यहाँ पर 7, और लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पर 13। आई होप आपको पंजाब स्टेट क्लियर हो गया होगा, देखो 2 मिनट के अंदर क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया आई थिंक आप सभी को, बोलेली से क्लियर हो गया आप सभी को। चलें फिर आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, किसकी बात करते हैं, ये आप पहचानो स्टेट कौन सा है आपका, ठीक है, ये स्टेट आप पहचानो। तो आई थिंक पहचान लिया होगा आपने, हिमाचल प्रदेश है, जिसकी यहाँ पर राजधानी क्या है, शिमला है। दूसरी राजधानी इसकी आपकी धर्मशाला है, ठीक है। तो यार ना दो राजधानी इसकी है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है इसका, हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर आपका क्या, शिमला है। और जनसंख्या इसकी इतनी, घनत्व कितना है यहाँ पर आपका, 123 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात करी जाए 55,673 किलोमीटर स्क्वायर है। जिले कितने पड़ते भैया, यहाँ 12 जिले पड़ते। सबसे बड़ी बात यार ना, इसका गठन कब हुआ, 25 जनवरी 1971 में इसका गठन हुआ। राज्यपाल कौन है, ठीक है, तो भंडारू जी हैं। CM कौन है, तो यार ना मुख्यमंत्री यहाँ के भाजपा के हैं, जो NTPC में पूछा गया था कौन थे, जयराम ठाकुर, ये कौन है यहाँ पर NTPC में पूछा जा चुका है, ये CM यहाँ के। विधानसभा की सीट कितनी यहाँ पर, 68 है। यहाँ पर विधानसभा की सीट कितनी है, 68 है। राज्यसभा की सीट आपको दिख रही होगी, 3 होगी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगर मैं पूछूँ लोकसभा की सीट भैया यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, तो याद रखना 4 लोकसभा की सीट भी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश भी क्लियर होगा, ये बहुत सारी चीज़ें, इनको नोट जरूर कर लेना आप, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। अभी तक सेशन रुके ना, सेशन को लाइक करते चलना, जरा सा भी स्किप नहीं करना, पता चला कोई भी स्टेट छोड़ सकते हो आप, ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूँ उसके अलावा, ये देख सकते हो कौन सा स्टेट आ गया, गुजरात, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, आप सभी को पता है, ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा इसका, अहमदाबाद, जो यहाँ पर क्या पहली सिटी की थी यूनेस्को में आने वाली, ठीक है। जनसंख्या घनत्व देख सकते हो आप, जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रफल देख सकते हो, ये जिले याद रखना यहाँ पर कितने हैं आपके, 33 जिले हैं। गठन कब हुआ, 21 मई 1960 में हुआ। राज्यपाल के कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करें कौन है, विजय रूपाणी जी, जिन्होंने यहाँ पर आपका CNG पंप लगवाया था, प्लांट लगवाया था, कहाँ पर, जल्दी से मेरे कमेंट करके बताना, CNG पंप इन्होंने कहाँ लगवाने की परमिशन दी, ठीक है। विधानसभा की सीट कितनी यहाँ पर, 182 है। राज्यसभा की सीट कितनी है, 11 है। और लोकसभा की सीट कितनी यहाँ पर, 26 है, ठीक है। और कमेंट में ये भी करके बताना है आपको कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट ना, ठीक है, किस राज्य में है, और प्रेजेंट टाइम में कितनी सीटों पे यहाँ पर इलेक्शन होता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। सबके कमेंट आने चाहिए बेटा, याद रखना हमको सबका नाम याद है, ठीक। अगला स्टेट आप सभी के सामने यहाँ पर आ गया, कौन सा आप सभी के सामने आ गया, कौन सा स्टेट, आप देख सकते हो यहाँ पर पहचान लिया होगा, ये आपका राजस्थान है, ठीक है, पधारो हमारे देश, ठीक है। राजधानी जयपुर, सबसे बड़ा यहाँ पर शहर कौन सा, जयपुर है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जनसंख्या, आप देख सकते हो, घनत्व भी देख सकते हो, 200 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है, तो यह रखना यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था, कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। सरकार कौन सी कहते हैं, राजस्थान सरकार कहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है,
यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं कलराज मिश्र, और सीएम की बात करूँ तो सीएम भैया आपको नाम याद होगा अशोक गहलोत जी, ठीक है। अगर मैं आपको विधानसभा की सीट कितनी यहाँ पर याद रखना, लिख लेना 200 सीट है। अगर पूछूँ आपसे राज्यसभा की सीट यहाँ पर कितनी पड़ती थी, याद रखना 10, और लोकसभा की सीट है यहाँ पर 25। तो एडिशनल भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ रखना, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ 25 सीटें इसमें, ठीक है। आई होप आपको राजस्थान भी क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब नोट्स बना के लिख लेना, ठीक है। डीपली पढ़ना चाहते हो तो भैया आ जाना अनअकैडमी पे, ठीक है। अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पे आ जाना, क्योंकि हर स्टेट के बारे में एक एक क्लास मैंने लिया है। अब बात करते हैं अगला स्टेट आप सुननी होगी, ये हमारा दुख दर्द है, ये हमारा दर्द है, दर्द दर्द मतलब समझते हो अपवाद, ठीक है। पहले हमारी यूपी में जुड़ा था, ठीक है। तो यार ना ये कौन से है, तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, सभी को पता, देहरादून, और गैरसैंण यहाँ पे आपकी नई राजधानी बन गई। इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, देहरादून है। जनसंख्या डेंसिटी आप याद कर लेना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, कितने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर, 13। और गठन कब हुआ इसका, 9 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ। राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। विधानसभा की सीट कितनी यहाँ पर, तैयार ना 71 है। और राज्यसभा की सीट कितनी यहाँ पर, 3 है। और लोकसभा की सीट कितनी यहाँ पर, 5 है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो आते भैया अगली स्लाइड पे, ठीक है। जल्दी जल्दी करना, क्योंकि छोटी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको हर चीज़ इसी वीडियो में मिल जाए। अब ये पार्ट वन वीडियो है, ठीक है। पार्ट वन वीडियो में आई थिंक 200 प्लस तो आप लाइक करा ही सकते हो ना, 200 प्लस लाइक करा सकते हो ना। दो दिन का जब तक आप नहीं कराओगे तो पार्ट टू नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, पार्ट टू जैसे आप कल आज ही करा दोगे तो आज रात में पार्ट टू अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना। अगर ये पहचान लिया होगा कि कौन सा स्टेट है, ठीक है, नदियों का मायका इसको कहते हैं, कौन सा स्टेट है, ये आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा, मध्य प्रदेश, जिसकी मतलब यहाँ पर क्या, भोपाल, भोपाल फेमस भी बहुत है, ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, इंदौर। इंदौर भैया क्लीननेस सर्वे में सबसे ऊपर आता है, यार ना। जनसंख्या कितनी यहाँ पर, इतनी है, घनत्व देख सकते हैं, 237 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, ठीक है। जन क्षेत्रफल इतना है। जिले कितने यहाँ पर, 52 हैं। इसका गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी, ठीक है। अब बात करते हैं विधानसभा की सीट कितनी है, गैस करो 230 है क्या, ठीक है। अच्छा अगर मैं पूछूँ राज्यसभा की सीट कितनी है, क्या यहाँ पर 11 राज्यसभा की सीट है, ठीक। अगर मैं पूछूँ लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पर, तो यार ना 29 लोकसभा की सीट है, ठीक है। तो यार ना एमपी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नदियों के मायके के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगली स्लाइड कौन सी आ गई आपकी, जल्दी से गैस करो कौन सी है, ठीक है। तो यार ना यहाँ पर ये हरियाणा है, ठीक है। दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है ना, एनसीआर में आता है, यूपी भी आता है, राजस्थान भी आता है। तो ये चीज़ याद रखना आपको, ठीक है। सबसे मतलब राजधानी क्या है इसकी, चंडीगढ़ है। सबसे बड़ा शहर इसका फरीदाबाद, ठीक है। आईओसी ने प्लास्टिक वेस्ट रोड बनवाई, ये भी याद होगा आपको। जनसंख्या देख सकते हो, क्षेत्रफल इसका इतना, जिले कितने हैं भैया इसमें, 22 जिले, ठीक है। गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966 में इसका गठन हुआ, ठीक। अगर मैं पूछूँ इसके आपके राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। अगर मैं पूछूँ यहाँ पर आपसे सीएम कौन है, तो यार मनोहर लाल खट्टर जी, जो भाजपा से हैं। विधानसभा की सीटें कितनी यहाँ पर, यार ना विधानसभा की सीट है आपकी 90। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राज्यसभा की सीट कितनी है, 5। अगर बात करूँ लोकसभा की सीट कितनी यहाँ पर, 10। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा हरियाणा के बारे में, क्योंकि सीट और डेट कन्फर्म रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें क्या होगा, आपको सीएम मिल जा रहे हैं, गवर्नर मिल जा रहे हैं, सीटें मिल जा रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट डेट मिल जा रही है, ठीक है। आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जा रही है, जिससे आप पता लगा सकते हो सबसे कम सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ठीक है। अगला शहर आपका, अगला स्टेट आ रहा भैया, पहचान लो, यहाँ के लोग 100 प्रभारी होते हैं, याद रखना। जितने लोग बिहार से हो कमेंट जरूर करना कि हाँ 100 प्रभारी हो कि नहीं हो, ठीक। कौन सा बिहार, राजधानी क्या है, पटना है। अगर मैं पूछूँ सबसे बड़ा शहर कौन सा, पटना है। और इसके पास एयरपोर्ट कौन सा, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो ना यहाँ पर क्षेत्रफल आप देख ही सकते हो, गठन इसका क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 में हुआ। राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। और बिहार याद रखना भैया, बिहार के ही तो गवर्नर, कभी राष्ट्रपति भी गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। मक्खी याद आ गया, ठीक है। तो यार ना यहाँ पर गवर्नर यहाँ के कौन थे, यार ना यहाँ के ही आपके कोविंद जी जो है ना, यहाँ के गवर्नर भी थे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। यहाँ पर सीट कितनी, तो यार ना विधान परिषद की यहाँ पर 275 सीट है। विधानसभा कितनी, 243। राज्यसभा की कितनी है, 16। और आपकी लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीट है, 40। आई होप बिहार भी आपको क्लियर हो गया है, बताओ जल्दी से बिहार क्लियर हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट, ये आ गया अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई, तो यार ना यहाँ पर 24 जनवरी 1950 में हुई। राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी इसका लखनऊ। इसमें जिले कितने, तो यार ना सबसे ज़्यादा जिले यूपी में, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। राज्यपाल कौन है, तो यार ना आनंदीबेन पटेल है। तो याद रखना एमपी और यूपी के राज्यपाल जो है ना, इतना जो एरिया कवर कर रहे हैं वो कौन कर रही हैं, तो आनंदीबेन पटेल जी इतना कर रही हैं। काश यूपी एमपी मिल जाता दो, कितना बड़ा राज होता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आप, ठीक है, आपको ये चीज़ आई थिंक याद रखनी है, ठीक। उपमंत्री कौन है, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा यहाँ पर क्या उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो यार ना यहाँ पर
पुलिस महानिदेशक पूछा जाता है, ठीक है, पुलिस महानिदेशक पूछा जाता है, तो यार ना नितेश हितेश में, ठीक है, हितेश चंद्र अवस्थी याद रखना आपको, कौन है यहाँ पर, ठीक है, GDP आगे कौन है, हितेश चंद्र अवस्थी हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। और यहाँ की, ठीक है, मैं क्यों छोड़ रहा हूँ इसकी सीटें, क्यों छोड़ रहा हूँ, यूपी की सारी सीटें जो है ना आपको कमेंट करके बतानी है, इससे भैया एक क्वेश्चन बन सकता है, 100% बन सकता है, यूपी की सारी सीटें जो है ना उसको आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पर कितनी सीट है आपकी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जल्दी से आ जाइए। बात करते हैं यहाँ पर, आप पहचान करोगे कौन सी मीठी भाषा का प्रदेश कौन सा ये, बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 में। इसकी राजधानी कौन सी है, कोलकाता, और सबसे बड़ा शहर भी कोलकाता है। राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़ है यहाँ के, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर ममता बनर्जी यहाँ की क्या है, इनको प्यार से यहाँ के लोग दीदी जी भी बोलते हैं, ठीक है, दीदी जी ये यहाँ की क्या है, आपकी CM है। अगर पूछूँ यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी, 294। अब भैया मीठी भाषा के लोग एक चीज़ बता दो, यहाँ पर लोकसभा की सीट क्या आपकी यहाँ पर 42 है। अगर 42 है तो कमेंट में लिख के बताना, हाँ सही है। अगर मैं पूछूँ राज्यसभा में आपकी सीट क्या, 16 है, अगर सही है तो दोनों के लिए यस लिख देना सर, ठीक है। याद रखना यहाँ पर बंगाल का गठन कब हुआ, और बंगाल का जो दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग टी, उसको यहाँ पर सबसे पहले GI टैग दिया गया था 2004 में। तो देखो भैया इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इतने कम समय में आई थिंक 15 मिनट हुआ होगा आपका, यहाँ पर कम से कम 10 स्टेट निपट गए होंगे, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कौन सा आता है, ये आ जाता है झारखंड, ठीक है, झारखंड आ जाता है आपकी। इसकी राजधानी कौन सी है, रांची। सबसे बड़ा शहर आप देख सकते हो जमशेदपुर। घनत्व याद रखना है यहाँ पर कितना है, 414, ठीक है। यार जिले यहाँ पर कितने आपके, यार ना 24 हैं। गठन कब हुआ, 6 नवंबर मान के कर लेना, ठीक है, 5 नवंबर 2000 में, ठीक है, 5 नवंबर 2000 में यहाँ पर गठन हुआ। और सरकार देख सकते हो झारखंड सरकार, यहाँ पर देखते हो द्रौपदी मुर्मू यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन, जो क्या है राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ पर क्या है, मतलब पार्टी से थे। इनकी विधानसभा सीट यहाँ पर कितनी, 82। राज्यसभा सीटें यहाँ पर 6, और क्या आपकी लोकसभा सीटें यहाँ पर 14 है। अगर 14 है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना कम से कम, यार इसमें लाइक आपके कितने, मैंने टारगेट बोला आई थिंक 200 बोला होगा, ठीक है, 200 प्लस लाइक ज़रूर आना चाहिए। यहाँ तक देखो ना, इसको लाइक करते रहना, ठीक है, शेयर ज़रूर करना, अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और जिसने आने के लिए फॉलो नहीं किया, फॉलो ज़रूर कर लेना, और इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कोई ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।